20 रुपए में मैगी, सिर्फ 20 रुपए, पेट भर के खाओ, 20 रुपए में मैगी। टीना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। सुबह से उसकी एक प्लेट भी मैगी नहीं बिकी। पैसा उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उसके ऊपर उसकी चारों बहनों की जिम्मेदारी थी, उसमें से एक तो नवजात थी जो सिर्फ 2 महीने की थी। सभी टीना को देख रही थी और खाने का इंतजार कर रही थी। दीदी, कब तक खाना मिलेगा हमें? मिलेगा बहन, बस एक प्लेट मैगी बिक जाने दे। क्या हम मैगी ही नहीं खा सकते हैं? नहीं बहन, ये मैगी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैगी खा लेने के बाद हम कंगाल हो जाएंगे, कल से भूखा रहना होगा। मैगी बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम खाना भी खा सकेंगे और पैसे भी कमा सकेंगे। टीना जोर जोर से लोगों को बुलाने लगी, मैगी खा लो, मैगी, गर्मा गर्म मैगी। एक आदमी ठेले के पास आया। ए लड़की, क्या बेच रही है? मैगी बेच रही हूँ साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, दूँ क्या? नहीं नहीं, मैगी अनहेल्दी है, मैगी का मसाला मुझे पसंद नहीं है। फल वल नहीं है क्या तेरे पास? नहीं साहब, फल तो नहीं है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया। शाम हो गई थी लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। टीना ने हार मान ली। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, क्या करूँ अब मैं? माँ, बाऊजी, क्या करूँ, आप ही बता दीजिए। टीना और उसकी बहनों की हालत हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी। उन लोगों के पास भी भर पेट खाना होता था। टीना के पिता के पास 4 बीघा जमीन थी और वहाँ तरह तरह के फल उगाए जाते थे और फल बेचकर उन लोगों का घर चलता था। लेकिन टीना के पिता को बेटा चाहिए था और बेटे की उम्मीद में 4 बेटी पैदा हो गई और टीना की माँ फिर से गर्भवती हो गई। उसके पिता ने उसकी माँ से कहा, देखना, इस बार जरूर बेटा होगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ जी, मुझे भी वही लग रहा है। इस बार बहुत सारे फल उगे हैं, पैसा भी अच्छा खासा कमा लूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी उन लोगों की जिंदगी में काले बादल का साया आ गया। मनोहर नाम का एक व्यापारी एक दिन टीना के घर आया और उसके पिता से बातचीत करने लगा। आप अपनी जमीन पे फल उगाते हो ना? आपके पास बहुत बड़ा जमीन है, आप एक काम करो, फल अब बाजार में ना बेचकर मुझे बेच दो। आपको बेच दूं? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वो फल बाजार में ज्यादा दाम में बेचूंगा और आपको ज्यादा पैसा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पैसों की लालच नहीं है, लोगों को ज्यादा दाम में फल बेचकर कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अभी आप ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जब पूरे मार्केट में आपका कंट्रोल आ जाएगा तब आप हमें लात मारकर भगा देंगे। ये सुनकर मनोहर कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर हंसते हुए कहा, बहुत स्मार्ट है आप, लेकिन आपको तो फल हमें ही बेचना होगा, क्योंकि बाकी सब लोग भी यही करने के लिए राजी हो गए हैं। बाकी किसान चाहे कुछ भी करे, मैं आपको फल नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। मनोहर व्यापारी बहुत पैसे वाला था, उसके पास बहुत पावर भी थी। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके टीना के माता और पिता को अगवा कर लिया और एक गोडाउन में ले जाकर बांध दिया और फिर वो उन दोनों को डराने लगा। तूने क्या सोचा था, मैं इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूंगा? टीना की माँ डर गई। हम दोनों को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरे पति को इस कागज पर दस्तखत करना होगा, नहीं तो मैं तेरी बच्चियों को मार डालूंगा। डर के मारे टीना के पिता ने बिना कुछ पढ़े उस कागज पर साइन कर दिया और वो खेत मनोहर की हो गई। लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को मार डाला। माँ, बाऊजी, आप दोनों को क्या हुआ? बात करो ना, देखो ना, हम सब यही हैं। माँ, माँ, आप आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? बाऊजी, सभी रोने धोने लग गई। तभी टीना ने देखा कि उसकी माँ के पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। मीना, ये देख, माँ का पेट हिल रहा है, शायद ये हमारा भाई या बहन है, हमें इसे बाहर निकालना होगा,
नहीं तो उसकी भी जान चली जाएगी। लेकिन एक मरी हुई औरत के पेट से बच्चा कैसे निकाले, वो भी चार बच्चियां मिलकर। पेट के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। पेट के अंदर से रोने की आवाज आ रही है, हमें इसे जल्द से जल्द निकालना होगा। मीना तू चाकू ला, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, वो सिर्फ इतना जानती थी कि उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालना है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपनी मरी हुई माँ के पेट पर वो ऑपरेशन कर रही थी। उसका दिल दर्द से चूर चूर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऑपरेशन के जरिए उसने अपनी नवजात बहन को बाहर निकाला। बेटी हुई है, हमारी बहन बाहर आई है। मातम के मौके पर भी चारों बहनों के दिलों में एक खुशी की लहर जाग गई। यही तो जिंदगी है, कोई एक मरता है तो कहीं कोई और जन्म लेता है, यही जिंदगी का साइकिल है। खैर, अपने माता पिता को आंसुओं के सहारे अलविदा कह दिया उन बेटियों ने। अंतिम संस्कार हो गया और अगले ही दिन सभी को दुख दर्द भूलकर पेट भरने के काम में लग जाना पड़ा। दीदी अब बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी मुझे भी, और छोटी को भी तो दूध पिलाना है, कुछ लाओ ना। लेकिन पापा पैसे कहाँ रखते थे ये तो मुझे भी नहीं पता। टीना इधर उधर ढूंढने लगी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे 500 रुपए कैश मिला। सिर्फ 500 रुपए? ये तो छोटी का दूध खरीदने में ही खत्म हो जाएगा। खैर टीना ने छोटी के लिए दूध और बाकी सभी के लिए खाना लिया और उसी से 250 रुपए खर्च हो गए। उसने छोटी को दूध पिलाया लेकिन वो सोच में पड़ गई। क्या बात है दीदी, सोच क्या रही हो? सोच रही हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे, जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ना। क्यों, पापा का खेत तो है, वहाँ बहुत सारे फल उगे हुए हैं, हम उन फलों को बेचेंगे पापा की तरह। टीना के दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी। वो मीना को लेकर खेत में गई, लेकिन देखा वहाँ मनोहर और उसके गुंडे खड़े थे। क्या बात है, तुम लोग कौन हो और मेरे पापा के खेत में क्या कर रहे हो? अब ये खेत मेरा है बच्ची, तेरे पापा ने मुझे ये लिख कर दिया है। नहीं पापा, ये नहीं कर सकते हैं, जरूर तुमने ही कुछ किया है। तुमने ही हमारे माँ बाप को मारा है, मुझे सब पता है, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। ये बोलकर दोनों भाग गयी। रात को मनोहर ने टीना के घर में आग लगा दी। आग, आग, अरे भागो भागो। वो अपनी बहनों को लेकर और अपनी नवजात बहन को गोद में लेकर भाग गई और पूरा घर राख में बदल गया। सुबह सभी भीख मांगने लगे, लेकिन भीख से उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितना पांच बच्चियों को खाने और जिंदा रहने के लिए चाहिए था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और 2 महीने तक किसी ने पेट भरकर खाना नहीं खाया। इतने में ही मीना ने कहा, अब क्या होगा दीदी? हमें कुछ करना होगा बहन, हमें व्यापार करना होगा। तुझे याद है मैंने एक बार मैगी बनाई थी जो माँ को बहुत अच्छी लगी थी? हाँ याद है ना। तो फिर चल हम सभी मिलकर मैगी का ठेला लगाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं, लोगों को खाना चाहिए होता है, हम मैगी बेचते हैं। टीना के पास कुछ पैसे थे, उसने मैगी और जरूरत की चीजें खरीदी और उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अब सब कुछ भगवान भरोसे है, लेकिन पहले दिन किसी ने मैगी नहीं खरीदी। अगले दिन टीना ने फिर से मैगी का ठेला लगा दिया। फल नहीं है? आजकल सिर्फ मैगी कौन खाता है बेटी, फल हो तो बताना। फल हेल्दी है और आजकल मार्केट में फलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये बोलकर वो औरत चली गई। टीना की नवजात बहन भूख से तड़प रही थी। टीना को कुछ तो करना ही था। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खेत से फल चुरा कर लाने का सोचा। फल चुराएंगे? लेकिन चोरी करना तो ठीक बात नहीं है ना दीदी? चोरी कहाँ करेंगे, वो तो हमारे पापा का खेत है, उस आदमी ने हमसे चोरी की है, हम उसे वापस ले लेंगे। रात को चारों बेटियां चुपके से खेत के अंदर गई और वहाँ से तरबूज, अनानास, नारियल ये सब उठा कर ले आई और अगले दिन फुटपाथ पर फलों को एक तरफ से काट कर कटोरी की तरह बनाया
और उसी में मैगी बनाने लग गई। मैगी खा लो मैगी, मिक्स फ्रूट मैगी, बढ़िया वाली मैगी। मिक्स फ्रूट मैगी सुनकर और ऐसा अनोखा मैगी बनाने का तरीका देख उनके ठेले के सामने लाइन लग गई। मुझे एक प्लेट तरबूज मैगी देना। और मुझे अनानास मैगी। कम दाम में फल प्लस मैगी पाकर जनता खुश हो गई और कुछ ही घंटों के अंदर टीना को 2000 रुपए की प्रॉफिट हो गई। उसने अपनी बहनों के लिए खाना और छोटी के लिए दूध खरीदा। ऐसे ही 2-3 दिन चलने लगा। पास ही में पुलिस स्टेशन था और वहाँ के इंस्पेक्टर हर रोज फ्रूट मैगी खाने के लिए आने लगे और उनके साथ बेटियों की दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन मनोहर को पता चल गया कि उसके खेत से फल चोरी हो रहे हैं। उसने इन बच्चियों को आखिरी सबक सिखाने का प्लान बनाया और गुंडों को साथ में लेकर बेटियों के पास आ गए। तुम लोगों की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है, ऊपर से खेत में चोरी कर रहे हो तुम लोग, आज तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ वो पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। क्या बात है मनोहर, बहुत उछल रहे हो। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में मैं तुम्हें अंदर करता हूँ, चलो। वैसे भी बहुत गुल खिला चुके हो तुम। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इंस्पेक्टर ने टीना को खेत वापस दे दिया और टीना अपनी बहनों को लेकर अपने ही खेत से फल उठाकर फ्रूट मैगी बेचने लगी और इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस साल ठंड से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सब लोग अपने अपने घर के अंदर कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं और इसी बात से मोतीलाल बहुत परेशान है। अरे ये क्या, सब लोग अगर घर के अंदर रहेंगे तो मेरी पानी पूरी कौन खाएगा। मोतीलाल पानी पूरी बेचता है। उसकी एक 5 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है और उसकी बीवी बिमला एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। ऊपर से बिमला बहुत ज्यादा बीमार भी है, उसकी खांसी रुक ही नहीं रही है। सुनिए जी, आज ज्यादा पानी पूरी नहीं बना पाई। और हाँ, आज जल्दी घर लौटिएगा, आज डॉक्टर के पास जाना है। घर पर बिमला पानी पूरी बनाकर देती है और मोतीलाल बाहर जाकर पानी पूरी बेचता है। लेकिन आजकल मोतीलाल की चिंता खत्म ही नहीं हो रही है। एक तो ठंड इतनी बढ़ गई है, ऊपर से बिमला भी बीमार है, आज डॉक्टर के पास जाना है लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। मोतीलाल एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर पानी पूरी बेचने लगा, लेकिन लोग पानी पूरी खाने आए तब ना। इतनी कड़कती हुई ठंड में कोई घर से निकल नहीं रहा है और जो निकल रहा है वो गर्मा गर्म कुछ खाना चाहते हैं। भला मैं कहाँ से लाऊं गर्म खाना। मोतीलाल की कोई कमाई नहीं हुई और उसने घर लौटकर देखा कि बिमला बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। उसकी बेटी गुड्डी ने कहा, पापा पापा माँ बेहोश हो गई है, कुछ करो पापा। मोतीलाल घबरा गया, वो तुरंत बिमला को लेकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे हैं तेरे पास? मोतीलाल के पास पैसे नहीं है, इसीलिए बिमला की चिकित्सा नहीं हो पाई। मोतीलाल बिमला को लेकर घर लौट ही रहा था कि बीच रास्ते में बिमला को होश आ गया और उसका पेट दर्द होना शुरू हो गया। आह, दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मोतीलाल घबरा गया। बिमला फुटपाथ पर सो गई और वहीं पर उसकी डिलीवरी हो गई। बिमला की एक बेटी हुई। वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन इसके साथ साथ मोतीलाल की चिंता भी बढ़ गई। बच्चा तो हो गया लेकिन इसके लिए दूध कैसे खरीदूंगा। वो घर चले आए। अपनी नवजात बेटी को दूध पिलाने के लिए मोतीलाल दूध खरीदने एक दुकान पर गया। भैया थोड़ा दूध देंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा। अरे पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं, जो मैं तुझे मुफ्त में दूध दे दूं, या भाग यहाँ से। उस दुकानदार ने मोतीलाल को भगा दिया। मोतीलाल घर चला गया। मोतीलाल का उसके पानी पूरियों पर ध्यान नहीं था, वो बाहर पड़े हुए थे और पूरी रात उनके ऊपर ओस गिरने के कारण सारी पानी पूरी खराब हो गई। सुबह बिमला ने कहा, सुनिए जी, आप आटा और सूजी खरीद कर लाइए,
मैं पानी पूरी बना देती हूँ, विमला के बेटे ने कहा। लेकिन माँ तुम्हारी तो तबीयत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मैंने पानी पूरी नहीं बनाई तो हम सब भूखे रहेंगे। और तुम दोनों की नई बहन को भी तो दूध पिलाना है। सुनिए, आप दुकान पर जाइए। मोतीलाल दुकान पर चला गया। भाई मुझे 5 किलो आटा और 3 किलो सूजी देना उधारी में। उधारी? नहीं मोतीलाल भाई, यहाँ उधारी नहीं चलती। देखिए मैं आपसे ही सब कुछ लेता हूँ, मेरे ऊपर इतना तो भरोसा करो, दे दो मुझे, बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा। मोतीलाल को उधारी तो मिल गई, लेकिन दुकानदार ने उस पर बहुत ज्यादा सूद चढ़ा दिया। मोतीलाल के पास कोई चारा नहीं था। बिमला ने पानी पूरी बना कर दिया और मोतीलाल उस पेड़ के नीचे जाकर खरीदारों का इंतजार करता रहा। पहले इसी जगह पर कितने लोग आते थे मेरी पानी पूरी खाने, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। इस ठंड ने तो हम जैसे गरीबों का जीना हराम करके रखा है। तभी मोतीलाल ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बंदा मैगी की दुकान खोलकर बैठा है और उसकी दुकान के सामने बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे भाई साहब, मुझे एक प्लेट मैगी दो। हाँ मुझे भी डबल अंडा मार के। बहुत सारे लोग बड़े मजे से मैगी खा रहे हैं। ये देखकर मोतीलाल का दिल दुखने लगा। उसने एक लड़के को बुलाया। ए लड़के इधर आओ। वो लड़का आया। क्या है पानी पूरी वाले चाचा? अरे यहाँ से भी 2-4 पानी पूरी खा ले। नहीं चाचा, ये तो इतनी ठंड है, ऊपर से पानी पूरी का ठंडा पानी, जुखाम हो जाएगा। ये बोलकर वो लड़का चला गया। मोतीलाल उस दिन भी खाली हाथ घर लौटा। ऐसे कैसे चलेगा, मुझे दुकान में उधार भी चुकाना है। तभी बिट्टू ने मैगी खाने के लिए जिद पकड़ी। मुझे मैगी खानी है, मुझे मैगी दो। अरे चुप रह, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है और साहेबजादे को मैगी खानी है। अरे ये क्या, बच्चे को क्यों डांट रहे हो, बच्चा है, नादान है। हाँ हाँ बहुत नादान है, यहाँ मैगी का नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर मोतीलाल ने आज का सब कुछ बताया। ये सुनकर गुड्डी ने कहा, ठीक ही तो है पापा, पानी पूरी का पानी सच में ठंडा होता है। अभी लोगों में मैगी खाने का क्रेज है, आप पानी पूरी में आलू और पानी के बदले मैगी भर कर दीजिए। मोतीलाल चौंक गया। हाँ? मैगी वाली पानी पूरी, ऐसे खाने के बारे में किसी ने कभी सुना है? सुना नहीं है, लेकिन गुड्डी सही कह रही है। लोगों को हमेशा कुछ नया खाना होता है, आप बनाकर तो देखो। मोतीलाल तुरंत जाकर उधारी में 10 मैगी का पैकेट लेकर आया और अगले ही दिन पेड़ के नीचे जाकर मैगी बनाने लगा। आइए आइए, मेरी मैगी वाली पानी पूरी खाइए, आइए आइए। अरे मैगी वाली पानी पूरी, वाह ये तो कुछ नया है। चाचा मुझे एक प्लेट मैगी वाली पानी पूरी दो। मोतीलाल ने उस लड़के को मैगी वाली पानी पूरी खिलाई। वो खाकर उस लड़के को बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट है। अरे आओ सब लोग, यहाँ मैगी वाली पानी पूरी मिल रही है, आओ आओ। सब लोग मैगी की दुकान को छोड़कर मोतीलाल के पास आ गए और मोतीलाल की सारी पानी पूरी खत्म हो गई। लेकिन वो मैगी वाला बहुत गुस्सा हो गया। उसका नाम राजेश है। ये चाचा मैगी वाली पानी पूरी बेच कर मेरा धंधा खराब कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। राजेश ने एक साजिश रचाई। उधर मोतीलाल बहुत खुश है, उसने दुकान की उधारी चुका दी और खुशी खुशी घर लौटा। अरे गुड्डी तेरा प्लान तो काम कर गया, पूरे 2000 की सेल हुई है आज, 2000। देखा पापा, मैंने कहा ना, अब देखो आपका व्यापार धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। हर रोज मोतीलाल के पास कस्टमर की भीड़ बढ़ने लगी और ये देखकर राजेश जलकर राख हो रहा है। कर लो चाचा कर लो, उसके बाद तुम यहाँ व्यापार करने के लायक ही नहीं रहोगे। रमेश ने एक टैक्सी वाले को पैसा खिलाया। ये लो 10,000 रुपए, कल जब मोतीलाल अपना ठेला लेकर यहाँ आएगा तब रास्ते में ही उसे उड़ा देना, लो। टैक्सी वाला मान गया, लेकिन राजेश को कोई आइडिया नहीं है कि अगले दिन क्या होने वाला है। राजेश की एक छोटी सी बेटी है, वो यहीं एक स्कूल में पढ़ती है। अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर राजेश रास्ता पार करके एक पेड़ के पीछे छुप गया और मोतीलाल के आने का इंतजार करने लगा। आ जाने दो चाचा को, मजा आएगा। उधर स्कूल में राजेश की बेटी ने देखा कि बैग के अंदर पेंसिल नहीं है, इसीलिए वो पेंसिल लेने बाहर आई। तभी वहाँ से मोतीलाल अपना ठेला लेकर आ रहा था।
ये देखकर टैक्सी वाले ने एक्सीलेटर पर जोर लगाया। टैक्सी ने स्पीड पकड़ी और तभी राजेश की बेटी ने राजेश को देख लिया। पापा 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 करके चिल्लाते हुए उसकी बेटी ने रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की और तभी अचानक से वो टैक्सी भी उसके सामने आ गई। लेकिन राजेश इतनी दूर से क्या ही करता, टैक्सी उसकी बेटी से टकराने वाली ही है कि तभी मोतीलाल ने अपने जीवन का रिस्क लेकर टैक्सी के सामने जंप लगाया और राजेश की बेटी को बचा लिया। लेकिन ये करते हुए उसके पैरों पर चोट लग गई। राजेश दौड़ कर आया। बेटी तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ पापा, लेकिन इन्हें चोट लग गई, मेरी वजह से इन्हें चोट लग गई। तब राजेश रो पड़ा। मुझे माफ कर दो मोतीलाल भाई, मैंने हिंसा में आपकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में मेरी खुद की बेटी मुझसे अलग होने वाली थी, लेकिन आपने उसे बचा लिया। मुझे माफ कर दो, आपकी वजह से मेरी मैगी नहीं बिक रही थी, इसलिए मैं भाग गया था। तो क्या हुआ राजेश, तू बस मुझे एक बार कहता ये बात, मैं नहीं चाहता कि किसी का बिजनेस खराब हो, तेरी भी एक फैमिली है। ठीक है, आज से हम दोनों एक साथ मैगी पानी पूरी बेचेंगे और उसमें बहुत सारे फ्लेवर रखेंगे। मोतीलाल की इस बात से राजेश पूरा बदल गया। इसके बाद से मोतीलाल और राजेश मिलकर बिजनेस करने लगे और मैगी पानी पूरी के बहुत सारे फ्लेवर बेचने लगे। ऐसे उन दोनों के पास बहुत सारे खरीदार आने लगे और दोनों की अच्छी कमाई होने लगी और मोतीलाल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।